हेलो दोस्तों, आज मैं आपको यस मैम वेब सीरीज जो कल रात में हंटर ऐप पर रिलीज हुआ है सीज़न 1 का पहला एपिसोड की कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में स्कूल के हेडमास्टर साहब कमालिका चंदा को स्टूडेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आज से आप लोगों को यह बायोलॉजी पढ़ाएंगे, इनका नाम लीला रहता है। फिर मैडम जी बच्चों को बोलती हैं कि आज मैं आप लोगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी। टीचर बोलती हैं, बहुत सारे टीचर इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हर बच्चे को यह समझ आना चाहिए। लेक्चर की स्टार्ट में वो स्टूडेंट से रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेफिनेशन पूछती हैं। तब तक एक लड़का पीछे से बोलता है, लड़का लड़की के साथ संभोग। मैडम जी उसको बोलते हुए देख लेती हैं, फिर उसको डांट लगाती हैं। फिर क्लास के सारे बच्चे उसकी कंप्लेन करते हैं, मैम ये बहुत नॉटी स्टूडेंट है, किसी भी टीचर को पढ़ाने नहीं देता है। तब तक बेल बज जाता है और सारे बच्चे क्लास के बाहर चले जाते हैं। सिर्फ मैम और वो बच्चा जो मैम से मिसबिहेव की कर रहता है वो क्लास में रहते हैं। फिर मैम उसका टेस्ट लेती हैं। फिर दो बच्चे क्लास के दो लड़कियों से बोलते हैं कि यार हमें यह टॉपिक समझा दो यार, एग्ज़ाम आने वाला है। दोनों लड़कियां उन दोनों को अपने घर बुलाती हैं पढ़ाने के लिए। उनको दोनों को नाम निधि और पायल रहता है। दोनों लड़के उनके घर जाते हैं। एक बोलता है कि पायल हमको प्यास लगा है, क्या पानी मिल सकता है। फिर पायल उन दोनों के लिए पानी लेने जाती है। जैसे पानी लाती है, पानी एक लड़के की जींस पर गिर जाती है। फिर दोनों वाशरूम में जाते हैं साफ़ करने के लिए। तो फिर तरुण बोलता है, पायल तुम बहुत हॉट हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं। तरुण शालिनी के भरपूर मज़े लेता है, इधर निधि और दूसरा स्टूडेंट आपस में मज़े लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे क्लास चालू होता है। लोली मैम निखिल से बोलती हैं, तुम मुझे क्लास से बाहर मिलना। फिर लोली मैम उससे पूछती हैं कि बताओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्विक्स कहाँ होता है। मैम बोलती हैं, मेरी बॉडी पर हाथ रख कर दिखाओ जहाँ होता है। दोस्तों, पहले एपिसोड में यहीं तक दिखाया हुआ है। नेक्स्ट एपिसोड की कहानी जल्दी लाऊंगा आप लोगों के सामने। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आगे ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।